दोस्ती का हाथ और बढ़ाया गया है कश्मीर में यानी जो दो लोग एक दूसरे को आमने सामने नहीं देखना पसंद करते थे दो ही पार्टियां थी जिनके बीच लड़ाई चलती थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब गुप्कार अलायंस के तहत वो दोनों एक साथ फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट फॉर अ लार्जर इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर के हकूक की, की खातिर जो उनके हक छीने गए जो उनकी इज्जत जो उनको लताड़ा गया जो उनके उनके सर से चादर छीनी गई उस इज्जत को बहाल करने के लिए हमें मुफ्ती साहब ने तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाया नॉर्थ पोल और साउथ पोल जिनके साथ हमारी कोई आइडियोलॉजी नहीं मिलते थे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस तो इतने एक्सट्रीम पे नहीं है कि हम उनके साथ बैठ के जम्मू कश्मीर के हकूक की लड़ाई न लड़ें दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मुझे मालूम है आप लोग हमें गुपकार गैंग बुलाते हैं बिकॉज यहाँ टुकड़े टुकड़े अर्बन नक्सल्स खालिस्तानी पाकिस्तानी और अब गुपकार गैंग जो रूलिंग पार्टी सेट करती है एजेंडा अनफॉर्चुनेटली जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसी को चलाता है आज आप कश्मीर का नया कश्मीर का नैरेटिव चलाते हैं मगर आप देखते नहीं है कि जहाँ एक अठारह महीने की बच्ची अपनी बाप की लाश के लिए रोती हो वो कौन सा नया कश्मीर है नया कश्मीर एक नैरेटिव नहीं है नया कश्मीर एक उम्मीद है क्योंकि जरूरत है सब चाहते हैं कि कश्मीर में अमन चैन रहे और आपको अच्छा नहीं लगा जब यहाँ पर इतने लोग इस बार टूरिस्ट वहां पर पहुंचे तो नया ना, कश्मीर बन गया एक कदम में हैं टूरिस्ट तो हमेशा टूरिस्ट तो हर जगह जाएंगे टूरिस्ट इतनी संख्या में महबूबा मैं जी मैंने आपको नहीं याद है जब 2002 में मुफ्ती साहब की सरकार बनी थी पहली बार वहाँ टूरिस्ट ने बड़ी तो तादाद में आना शुरू किया था बिकॉज देयर आर वेर सर्टन मेजर्स टेकन कुछ ऐसे एतमाद साजी के माहौल बनाया था पाकिस्तान से बात थी वहाँ बात चली रास्ते खुले और कश्मीर के लोगों ने देखा पाकिस्तान में क्या है उस दूसरे कश्मीर में क्या है पर्दे के पीछे क्या है क्योंकि जब वहाँ से लोग आए मुझे याद है मुफ्ती साहब जब उनको रिसीव करने गए तो उस कश्मीर के लोगों ने मुफ्ती साहब से कहा मुफ्ती साहब क्या हम नमाज़ पढ़ सकते हैं यानी वहाँ ये इंप्रेशन है कि शायद हम यहाँ नमाज भी नहीं पढ़ने देते मुफ्ती साहब ने कहा आप कहीं भी पढ़ सकते हो तो इसी तरह ये जो क्यूरसिटी है वहाँ क्या है यहाँ क्या है इस क्यूरिया को खत्म करने के लिए मुफ्ती साहब ने यह कहा था कि तमाम रास्ते खोल दो लोगों को आने दो जाने दो हम ये नहीं कह रहे हैं आप कश्मीर उठा के पाकिस्तान को दे दो हम ऐसा तो नहीं कहते हम कहते हैं जो दीवारें हैं नफरत की जम्मू कश्मीर को एक पुल बनाओ दोस्ती का इसको जंग का अखाड़ा मत बनाइए कितना सफर करेंगे कि आप ही बताओ आपके भी घर में छोटे बच्चे हो सकते हैं एक अठारह महीने की बच्ची कड़कती ठंड में अपने बाप की लाश मांगे तो इससे ज़्यादा और जुल्म क्या हो सकता है आप बताओ मुझे क्या ये हमारा हमारे बापू का हिंदुस्तान ऐसा हो सकता है जी उसकी जाँच हो रही है आपको उसके बावजूद आप आवाज़ उस पर उठा रही हैं आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि जांच सही होगी नहीं क्या अभी तक तो, तो बहुत जांचें हुई हैं हमने तो कभी किसी जांच में कोई सज़ा मिलते हुए नहीं देखा है उसके बाप को बताया गया व्हाइट कॉलर्ड मिलिटेंट जबकि वो डॉक्टर दूसरे को बताया गया ओवरग्राउंड मिलिटेंट, तीसरे को बताया गया हाइब्रिड मिलिटेंट जबकि उनमें से कोई मिलिटेंट नहीं था तीनों को इस्तेमाल किया गया उस वक्त हाइड आउट दिखाने के लिए कि आप हमें बताओ इस कमरे में अंदर जाना है और वहाँ से फिर दोनों तरफ से गोलियाँ चली तो ये तो नहीं चलता अभी एक लड़का घर से मजदूरी के लिए निकलता है वापसी पे सब्जी लेके आता है दूध लेके आता है बंकर के पास गुजरता है तो गोली मार देते हो कि पर जब तक जांच न हो जाए आप अगर ऐसे स्टेटमेंट देती हैं तो क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेस के नहीं, को नहीं नहीं, नहीं मैं तो, मैं तो तो कोई सवाल नहीं उठा रही मैं तो आपको हकीकत बता रही हूँ ये तो खुद वहां की पुलिस ने आप बताया उन्होंने तो दो को क्लियर कर दिया इन्वॉल्व थे ना इसमें दो को क्लियर कर दिया जेकेपी मेनली इसमें इन्वॉल्व थी ना जेकेपी और जो बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं और सीआरपीएफ जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी और उसमें ये भी हुआ कि जो तीसरा लड़का है जिसका अब दो को तो क्लियर कर दिया तीसरे को बोलते हैं वो हाइब्रिड मिलिटेंट है आपको मालूम है उसके बाप ने पत्थर से मिलिटेंट मारा है आमिर मागरे के बाप ने पत्थर से मिलिटेंट को मारा है वो आर्मी के लिए इन्फॉर्मर का काम करता था उसने कई मिलिटेंट पकड़वाए हैं मरवाए हैं और वो सिक्योरिटी में रहते है तो उसी का बेटा मजदूरी करता था उसको बोलते हैं ये हाइब्रिड मिलिटेंट है इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है महबूबा जी अगर जब अब चुनाव की सुखबगाहट भी हो रही है कि हो सकता है जम्मू कश्मीर में चुनाव हो क्या हम जो गुप्कार अलायंस है उसे एक साथ चुनाव लड़ते देख सकते वो है? तो मैं नहीं बता सकती बिकॉज दिस इज़ ये तो हमारा इकट्ठा बैठ के हमारा डिसीजन होगा ये तो इसके बारे में तो मैं इस अभी कुछ नहीं कह सकती हम इकट्ठे लड़ेंगे अलग अलग लड़ेंगे मुझे मालूम है कि बहुत सारे जो यहाँ ताकते हैं जो हमारे जो इस किस्म के हमारे अपोनेंट्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि इकट्ठे लड़ें पर हम आपस में बैठ के फैसला कर लेंगे और इलेक्शन इज़ नो प्रटी फॉर महबूबा मुफ्ती